हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आप मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ ऐसा मीठा, और ये बनाने बहुत ही आसान है। जब बन जाता है खाने में बहुत ही टेस्टी, क्योंकि मिठाई खाने का और खिलाने का बनाने का टाइम है, तो क्यों ना आजकल हम मिठाई बनाएं। तो इसलिए मैं आजकल मिठाई बनाने जा रही हूँ। जो मेरा पहले का जो वीडियो था वो था आपका मलाई चॉप, आज मैं बनाने जा रही हूँ चमचम। और ये बनाना बहुत ही आसान है, सेम प्रोसेस है जो मैंने इसको छेना पहले से बना के रख लिया है। आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं मैंने कैसे इसको छेना निकाला है, और ये निकालना बहुत ही आसान है। और घर का छेना जो होता है वो प्योर होता है और अच्छा बन के निकलता है। और ये 1.5 किलो दूध का मैंने बनाया हुआ है छेना, ये कम से कम 200 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा होगा। और इसको अब हम अच्छे से मसलेंगे, मसल के इसको बिल्कुल सॉफ्ट जैसे चिकना बना के तैयार करना है। और इसमें हम डालेंगे सूजी जो कि 2 चम्मच है। अब इसके जगह आप मैदा भी डाल सकते, पर मैं प्रेफर करूँगी सूजी, उससे अच्छा बनता है, थोड़ा सा हार्ड बनता है। ये चमचम जो बनाऊंगी थोड़ा सा हार्ड बनाऊंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बाहर से थोड़ा हार्ड अंदर से सॉफ्ट रहे। तो पहले हम अच्छे से छेना को अच्छे से मसल के चिकना कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर सूजी डालेंगे। इसको मैंने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मसल लिया है, थोड़ा सा चिकना ये हो गया है, अभी और इसको करना बाकी है। तो इसी टाइम पे हम डाल देते हैं सूजी 2 चम्मच। अब इसको लगातार हम मसलेंगे मिला के 5 मिनट के करीब, 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से मसलना है, क्योंकि ये सूजी हर तरफ जगह से अच्छे से मिला लिया जाए। इसको हर जगह से इस तरह से अच्छे से मिला के इसको मसलेंगे, तो कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से मिलाने में। चलिए चमचम बनाने से पहले उसकी चाशनी बना के तैयार करते हैं। तो उसके लिए लिया है मैंने 1 कप चीनी, 1 कटोरा चीनी ले लिया मैंने। अब इसमें डाल दूंगी मैं करीब 3.5 कप पानी, और चाशनी को अच्छे से मेल्ट होते तक इसको चलाएंगे, जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और इसमें डाल देंगे 2 इलायची, इस तरह से कूट के रखी है मैंने, ये डाल देते हैं, थोड़ी फ्लेवर अच्छी आएगी। अब इसको अच्छे से घुलने तक हम चलाते रहेंगे, अगर छोड़ देंगे तो नीचे तले में लग जाएगी चीनी। तो इसको अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं पहले, और इसमें उबाल आने देते हैं। हमने इसको मसल के चिकना कर लिया है, और हमने चाशनी भी बिठा दिया है, जब तक उसमें उबाल आता है तब तक हम इसमें तैयारी कर लेते हैं। अब इसको छोटे छोटे बॉल लेंगे, इतने छोटे छोटे, और इसको अच्छे से हथेली में लेके दबा के गोल करेंगे, और इसको सिलेंडर का शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है हमें। ये सिलेंडर का ऐसा शेप आ गया। इसी तरह से हमें बना के सारे तैयार करने हैं। मैं आपको और ही दिखाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े करेंगे तो फिर ये ज़्यादा उसमें जगह नहीं होगा, क्योंकि कढ़ाई तो ऐसी भी गहरा वाला लिया है मैंने, फिर भी छोटा छोटा बनाएंगे, और ये हमारी फूल के डबल हो जाएगी इस तरह से। बना के सारे हम तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, चाशनी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। जैसे उबाल आया वैसे मैंने इसको लो फ्लेम में रख दिया था, और ये अच्छे से उबाल आ गया है। ये देखिए, हमने कम से कम 1.5 लीटर दूध का जो छेना निकला था उसमें से हमने बनाया है कम से कम 16 चमचम। अब इसमें डाल देते हैं एक एक करके, क्योंकि छोटे छोटे रखे हैं मैंने, ये बाद में फूल के डबल हो जाते हैं। कोई छोटा है कोई बड़ा है, वैसे बनाया है मैंने घर पे खाने, कौन सा हलवाई में
हलवाई में लगाया हुआ है मैंने, घर पे ही खाने हैं। तो इसको ढक के आप गैस को तेज कर देते हैं, हाई फ्लेम में बनाते हैं, और जैसे जैसे इसमें उबाल आते जाएगा इसमें एक एक चम्मच पानी डाल के इसको हमें बनाना है, वो आपको मैं दिखाऊंगी कैसे करना है। हमें इसको पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए कितना बड़े बड़े हो गए हैं, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा भी लग रहा है। और इसको हम ना अब मीडियम फ्लेम में रखेंगे और इसको ऐसे ही लगातार हमें टोटल हमें बनाना है 20 से 25 मिनट तक पकाना है। अभी सिर्फ 5 मिनट हुए, अभी 20 मिनट बाकी है। तो इसको क्या करेंगे, हम चलाएंगे नहीं, कलछुल से इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हिला देंगे ऐसे ऐसे। तो हमें इसमें चाशनी को, चाशनी में ही पकाना है इस मिठाई को, और पका पका के चाशनी को सुखाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, मेरा पूरा 25 मिनट हो गया है, जो मैंने पहले 5 मिनट में आपको दिखाई थे, अब जाके 20 मिनट, टोटल 25 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। और देखिए चाशनी भी सूख के एकदम कम हो गया है, कितना था और कितना हो गया है इसको आहिस्ता आहिस्ता हाथ से ही ऐसे घुमा लेते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया है, ये डबल से भी ट्रिपल हो गया है, और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने आपको कहा था जब ये इसमें उबाल आया था एक दो चम्मच पानी डाल दे, तो मैंने एक बार डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। तो उसके बाद पानी डालने का मतलब यह है जो ऊपर से झाग आती है ना, तो वो बाहर गिरने की तैयारी हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो वो झाग बाहर नहीं आएगी। तो ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया हमारा, रेडी है, गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसको तो ऐसे ही खुला रख के बिल्कुल ही ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद फिर इसके अच्छे से गार्निश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने ये वाइट चमचम को देखिए 1 घंटा छोड़ दिया था, और ये बिल्कुल पूरा ठंडा, मतलब एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर रखा था मैंने इसको, तो ये नॉर्मल ठंडा हो चुका है पूरा। अब इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे, और ये ठंडा होने के बाद ना टाइट भी हो गया है और अच्छा बढ़िया बन गया है। अब इसको हम निकाल के जो साइड में रखेंगे एक एक करके। और ये बहुत ही बढ़िया बना है, आप इसको चाय तो ऐसे भी खा सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा नारियल का भूरे का कोट करूंगी ऊपर से, वो देखने में और भी अच्छा लगेगा। ये हमने कुछ प्लेन निकाल लिए हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, और मैं कुछ डालूंगी, नारियल का बुरादा रखा है मैंने, तो इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा ले लेंगे, प्लेट में रख लिया है मैंने, तो इसको हम इसमें अच्छे से ऐसे करके कोट कर लेंगे। ये भी देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। अगर आप फ्रेश नारियल भी आप कद्दूकस करके इस तरह से करके रखेंगे वो भी अच्छा लगेगा, और खाने में भी अच्छा लगेगा, और देखने में तो अच्छा लगेगा ही। प्लेन तो देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा सजा दिया है ताकि और देखने में अच्छा लगे और मन खाने को ललचाए। देखिए फ्रेंड्स मेरे तो व्हाइट चमचम बनके तैयार है, और मैं दिवाली के लिए फुल ऑन तैयारी कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर और भी कुछ आपको मिठाई की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाइए और ज़रूर देखिए, और आपको मैंने कलरफुल भी बनाई है, वो भी मिठाई आप ट्राई कर सकते हैं, मेरे चैनल में है। तो ये रहा आज की रेसिपी तैयार है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई मिठाई या कुछ नई रेसिपी के साथ या कुछ नया चीज़ के साथ, मैं आपको फिर से मिलूँगी। थैंक यू।